नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ साक्षी आपके साथ और आइए नजर डालते हैं अभी की कुछ फटाफट खबरों पर। दिल्ली में एक साल की मासूम के साथ यौन शोषण का मामला आया सामने। बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने घर से ले गया था बाहर। लोगों ने की आरोपी की जमकर पिटाई। बिहार के कटिहार जिले में एक तांत्रिक ने किया युवती का बलात्कार। बाहर बैठे रहे पति और ससुर, आरोपी हुआ मौके से फरार। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस हिरासत के दौरान एक शख्स की हुई मौत। लाश थाने के हवालात में फांसी पर लटकी मिली। परिजनों ने लगाया पुलिस पर हत्या का आरोप। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आपसी झगड़े के चलते कक्षा 10वीं के छात्र ने 12वीं में पढ़ने वाले दूसरे छात्र को चाकू से गोद कर मार डाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ललितपुर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अजय पाल सिंह पर लगा पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप। कोर्ट ने सुनाई 8 वर्ष की सजा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के निजी स्टाफ पर दुष्कर्म का लगा आरोप। युवती ने शिकायत में कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ किया था दुष्कर्म। नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पर दोनों तरफ सोमवार रात भीषण हुआ सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत, 1 व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। गुरुग्राम सेक्टर 5 थाना क्षेत्र में दहेज और शारीरिक संबंध बनाने को लेकर युवक पंकज भारद्वाज ने की पत्नी की हत्या। सोते समय 40 बार मारा चाकू। मेरठ में PCSJ की मुख्य परीक्षा देकर लौट रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। टॉयलेट में मिला मृतक का शव। रोहतक शहर के मॉडल स्कूल की दूसरी मंजिल से गिरकर 9वीं कक्षा का एक छात्र हुआ घायल। आनन फानन में छात्र को प्राइवेट अस्पताल में किया भर्ती। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।